हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोरोना वायरस अब बुलंदशहर में भी दस्तक दे चुका है। जनपद के गांव वीरखेड़ा के रहने वाले व्यक्ति की टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार आज कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। संक्रमित व्यक्ति को बुलंदशहर से एम्बुलेंस के जरिए खुर्जा के जटिया अस्पताल में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें, खुर्जा CHC कोरोना के इलाज के लिए L1 हॉस्पिटल घोषित किया गया है। वीरखेड़ा निवासी परिवार के 8 सदस्यों को भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन खुर्जा में भेजा जा रहा है। कोरोना से पीड़ित ये व्यक्ति वीरखेड़ा ग्राम में अपने परिवार के साथ रहता था। वहां से नोएडा में स्थित सीज फायर की फैक्ट्री में काम करने जाता था। आशंका जताई जा रही है कि यह व्यक्ति नोएडा में किसी के संपर्क में आया था, जिस कारण ये वायरस का शिकार हो गया। को पता है कि जो सीज फायर फैक्ट्री है ना नोएडा में, उसके मालिक इसमें पॉजिटिव हुए, उसके परिवार के लोग पॉजिटिव हुए, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने उनके संपर्क में रहे हैं, वो टेस्ट में पॉजिटिव निकल रहे हैं। जहाँ तक हमें पता है, 17-18 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। तो ये जो अतुल शर्मा जी हैं, ये बीरखेड़ा गाँव के हैं, ये उस फैक्ट्री में काम करते थे। हमें पता चला कि ये इन्होंने उनके साथ मीटिंग की थी, साथ में बैठे थे, तो हमने इनको पिछले हफ्ते ही लेके आइसोलेट कर दिया था। और जैसा कि कोई इनको सिम्टम नहीं है, 5 दिन के बाद सैंपल लेने का उसमें प्रोटोकॉल है, तो हमने उसके बाद सैंपल लिया, सैंपल इनका भेजा। सुबह पता चला हमें पॉजिटिव है, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हम इसको कंफर्म करेंगे। तभी 2 बजे हमें पता चला कि कंफर्म है, पॉजिटिव है। तो ये आपने देखा होगा, L1 हॉस्पिटल बनाया है आइसोलेशन, तो हम इनको यहाँ ले आए। परिवार के भी सर कोई इनके संपर्क में? परिवार में 8 लोग हैं जिन जो उनके संपर्क में नहीं, लेकिन इनके संपर्क में थे, वो हम गाँव से उनको ला रहे हैं। उनको हम क्वारंटीन में रखेंगे, जो सरकारी क्वारंटीन फैसिलिटी है उसमें रखेंगे, और उनका भी सैंपल लेंगे। क्वारंटीन के लिए उन्हें सर खुर्जा के अस्पताल में रखा? कई जगह ना, अस्पताल में नहीं, क्वारंटीन फैसिलिटी तो दूसरी जगह बनाई गई है। खुर्जा में रखेंगे तो खुर्जा का आश्रय स्थल है, वहाँ रखेंगे, या गेस्ट हाउस है वहाँ रखेंगे। और भी हैं, कई स्कूल ले रखे हैं हमने, कस्तूरबा, जैसी जरूरत होगी वैसी हम फैसिलिटी क्रिएट करेंगे और उसमें रखेंगे। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से पीड़ित के घर से चारों तरफ 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा इस जोन के अंदर घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को वायरल फीवर या कोरोना के अन्य लक्षण पाए जाने पर आवश्यक इलाज किया जाएगा। गौरतलब है कि इसके अलावा जनपद में 101 व्यक्ति होम क्वारंटाइन में है। गौरतलब है कि इसके अलावा जनपद में 101 व्यक्ति होम क्वारंटाइन में हैं। आपको बता दें कि बुलंदशहर का यह पहला व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव है। बुलंदशहर के वीरखेड़ा के रहने वाले इस व्यक्ति के अलावा परिवार के ही और 8 लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। बुलंदशहर में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। बुलंदशहर के वीरखेड़ा निवासी अतुल कुमार शर्मा में कोरोना की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। तस्वीर आपको दिखाएंगे खुर्जा के CHC में, जहां L1 हॉस्पिटल बनाया गया है कोरोना वायरस के पीड़ित को रखने के लिए। यहाँ पर फिलहाल अतुल कुमार शर्मा, जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, उनको यहाँ शिफ्ट किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO खुद यहाँ आए हैं, उस पेशेंट को लेकर एम्बुलेंस में लाया गया है उस पेशेंट को। आपको बता दें कि व्यक्ति के संपर्क में आए 8 लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, उनको भी जांच की जा रही है, ताकि वो भी जांच के बाद पता लग सके कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। इसके अलावा बुलंदशहर में 101 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़, बुलंदशहर। Time 24 News, जज्बा सच दिखाने का।